इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड किया था, और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करने वाले हैं, और उसी तरह से हम कंपेरिजन करेंगे। तो उससे पहले हमने जो प्रॉपर्टियां पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू है यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी तो उसमें तो कंसिस्टेंट होगा, और जब हमारा मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी मीन्स सबकी वैल्यू इक्वल होगी और मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो भी हमारा क्या होगा कंसिस्टेंट, और जहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। इसको डिटेल में देखने के लिए समझने के लिए आप इससे पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है जहाँ पे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमने सिंपल सी वे में हमने एक प्रॉपर्टी समझ ली कि जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है या फिर वहाँ पर हमारे मैनी सॉल्यूशंस है वहाँ पे तो कंसिस्टेंट होगा, और जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उसने बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़ को कंपेयर कीजिए, इससे फाइंड वेदर आउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो उसके करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, सबसे पहले कंपेयर किया a1 अपॉन a2 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3/2 अपॉन 9, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ आ गया 3 1 3 3 2 6, ये इस तरह से कट जाएगा हमारा, सॉरी 3 3 9, ये क्या होगा नीचे वाला ऊपर और ये बीच वाला यहाँ, तो इसका मीन्स ये है a1 अपॉन a2 का वैल्यू आ गया हमारा 1/6। अब हम देखते हैं b1 अपॉन b2 का वैल्यू, देखते हैं b1 अपॉन b2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/3 माइनस का 10 और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ से हमारा 5 1 5, 5 2 10, इट मीन्स माइनस का ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/6 हो गया। एंड c1 अपॉन c2 का जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ, c1 अपॉन c2 का जो वैल्यू है मेरा हो जाएगा 7/14, इट मीन्स 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी 1/2। हमने देखा कि हमारा तो a1 अपॉन a2 का ही वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाएगी हमारी यहाँ से, यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, क्या हो जाएगी जब हमारी ये दोनों की दोनों डज नॉट इक्वल हो जाएगा तो हमारा गिवन लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगी। अभी हम सेकेंड वाला भी इसी तरह से करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यहाँ से मैंने a1 अपॉन a2 का वैल्यू मैंने कंपेयर किया और यहाँ से वैल्यू आ गया 5/10, इट मींस माइनस का 1/2, b1 अपॉन b2 का मैंने वैल्यू कंपेयर किया यहाँ से आ गया माइनस का 3/6, इट मींस माइनस का 1/2, एंड c1 अपॉन c2 का वैल्यू कंपेयर किया तो यहाँ से मैंने देखा 11/-22, इट मींस माइनस का 1/2, यहाँ से मेरे सबकी सब वैल्यू इक्वल आ रहे हैं, सबकी सब वैल्यू इक्वल हैं तो यहाँ से कंडीशन लग जाती है मेरी सेकंड वाली, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, सो द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट,
यहाँ से ये भी कंसिस्टेंट होगी क्योंकि सबकी सब इक्वल आ रही है हमारी। लास्ट और दिया है हमारा, इसको भी हम करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू। यहाँ से हम देखेंगे ए वन अपॉन ए टू का जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा 4/3/2, इट मीन्स इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 4, 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, ये यहाँ आ जाएगा और वो ऊपर रह जाएगा, तो इसका मीन्स ये है 2/3 इसका आंसर आ गया। एंड बी वन अपॉन बी टू का जो वैल्यू है, मैं इधर लिख ले रहा हूँ बी वन अपॉन बी टू का वैल्यू, बी वन अपॉन बी टू का वैल्यू है 2/3, ये भी इक्वल आ गया हमारा। एंड सी वन अपॉन सी टू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8/12, तो ये भी 4 से हो जाएगा, 4 2 जा और 4 3 जा, इट मीन्स इसकी वैल्यू भी हमारी सबकी इक्वल आ गई। तो यहाँ से कंडीशन हमारी सेकंड वाली लग जाएगी हमारी, सो हमारा ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू और सी वन अपॉन सी टू, सो द गिवन लीनियर इक्वेशंस, सो द गिवन लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यहाँ से हमारी ये वाली भी लाइन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थ्री का आपका थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपका फिनिश हो जाता है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, और इस तरह से आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है।